Hello students, in this video we are going to discuss question number 6 of exercise 8.3. Okay, so it is given, Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. Arif कोई लड़का है जो कि लोन लेता है कितना 80,000 रुपीस कहाँ से बैंक से. ओके, if the rate of interest, क्या rate of interest is 10%. Rate of interest is 10% per annum. Okay, so we have to find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year if the interest is first compounded annually, second compounded half yearly. Okay, मतलब दो पार्ट में दिया है, एक में निकालना है compounded annually और एक में कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 80,000. ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल. अब रेट कितना दिया है, 10%. ठीक है, तो रेट 10% हो जाएगा. अब क्या करना है, अब हम निकाल और देखिए टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 year. ओके, अब हमें निकालना है, पहले निकालते हैं कंपाउंडेड एनुअली. ओके, सो प्रिंसिपल हो जाएगा 80,000. ओके, और रेट कितना हो जाएगा, 10%. और फिर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1.5 year. ओके, टाइम 1.5 year दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 year का निकालेंगे. क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट. फिर ये जो बच रहा है, देखिए कितना बच रहा है, हाफ ईयर का क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सो देखिए पहले 1 year का अमाउंट निकाल लेते हैं और फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें 1.5 year या फिर 2.5 year या तो 3.5 year, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं. पहले अमाउंट निकालेंगे 1 year का, एग्जांपल 1 year है, और हाफ ईयर का क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 plus rate upon 100 power n होता है. ठीक है, अब देखिए इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 80,000. अब सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सो 80,000 फिर ब्रैकेट के अंदर 1 plus 10 upon 100 power 1 हो जाएगा. पहले अमाउंट कितने ईयर के पे निकाल रहे हैं, 1 year पे, तो पावर 1 हो जाएगी. ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ये 10 ones और 10 tens कट गया. सो क्या आ गया यहाँ पर, 80,000 फिर 1 plus 1/10 power 1. ओके, अब यहाँ हो जाएगा 80,000 11/10. ओके, सो 80,000 × 11/10, सो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 88,000. जीरो कितने, 1, 2, 3, सो 88,000 हो जाएगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, हाफ ईयर का निकालेंगे. किसका, हाफ ईयर का. अब इसका क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ओके, ये फॉर्मूला होता है. अब देखिए इसमें जो प्रिंसिपल है, अब सिंपल इंटरेस्ट जब भी हम निकालते हैं तो अमाउंट का अमाउंट क्या बन जाता है, पहले वाले का अमाउंट क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल. तो इसका प्रिंसिपल कितना हो गया, 88,000. ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं, 88,000 × 10 × टाइम कितना है, हाफ ईयर. ओके, हो जाएगा हाफ अपॉन 100. अब ये 2 इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके ऐसे लिखेंगे 88,000 × 10 upon 200. ओके, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए,
तो यहाँ क्या बचा, और ये 244, तो क्या आ गया 4400, ओके 4400 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालेंगे। अब टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट पहले वाला है उसमें उसमें ऐड कर देंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो ऐड कर देंगे। तो देखिए 88,000 प्लस 4400, ओके सो यहाँ कितना आ जाएगा 92,400, ओके। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्या करते हैं सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इस वाले पार्ट में क्या था, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ओके। अब ये वाले हमके सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 80,000 जो कि क्वेश्चन में दिया है, रेट हो जाएगा 10% और टाइम कितना हो जाएगा 1/2, ओके। अब इसके लिए क्या करें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब रेट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया 5%, ठीक। अब टाइम में क्या करेंगे, टाइम में 2 से मल्टीप्लाई, 2 को डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 × 2 + 1 यहाँ आ गया 3/2 × 2, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, सो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + rate/100 power n, ठीक। इसमें वैल्यूज पुट कर दिया हमने, जैसे 80,000 प्रिंसिपल है सो ये लिख लिया, फिर 1/ रेट कितना है 5/100 की होल पावर 3, टाइम कितना दिया है 3, तो n की जगह पर 3 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, 100 देखिए यहाँ आ जाएगा 80,000 100 + 5/100 की होल पावर 3, ओके। फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 80,000 फिर 105/100, ठीक, की होल पावर 3। अगर आप चाहते तो इसको कैंसिल भी कर सकते थे, देखिए हम चाहते तो इसको कैंसिल भी कर देते, 5 × 1 = 5, 2 और फिर 0, यहाँ 20 आ जाता, पर हमने नहीं किया, हमने सोचा ऐसे ही सॉल्व कर दें। देखिए अब फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 80,000 फिर 105/100 कितने बार है, 3 बार है, मतलब 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे 105/100 × 105/100 × 105/100, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 तो ये कैंसिल, फिर 2 0 ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, 8 × 105 × 105 × 105/100। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 92,610, ओके ये आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 92,000 जो कंपाउंडेड एनुअली का आया था उसमें से, जैसे 92,000 समथिंग था, सो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, 92,610 इसमें से वो जो पहले निकाला था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा 92,400, ओके। फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 210, ठीक, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। पर हमें पूछा गया था यहाँ ये कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये हाफ ईयरली का हो गया और पीछे वाला कंपाउंडेड एनुअली का हो गया, और ये दोनों का डिफरेंस हो गया,
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? 7 में मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 5%। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है? पहला, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और सेकेंड पार्ट क्या दिया है? द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल है 8,000, ओके, और रेट कितना है? 5%, ओके, और टाइम कितना दिया गया है? 2 ईयर, ओके। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस आर बाई 100 की पावर एन। ठीक है, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। सो हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8,000, फिर 1 प्लस रेट कितना है? 5%, तो 5/100 और पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि टाइम क्या दिया है? 2 ईयर, सो पावर 2 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ क्या आएगा? 8,000, फिर देखिए 5 1 ज़ा, और ये यहाँ 20 आ गया, सो 1 by 20, ठीक है, का स्क्वायर, ओके। फिर क्या आएगा? 8,000 21/20 का स्क्वायर। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? 8,000 × 21/21 × 21/20। ठीक, अब ये देखिए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक, तो 8 × 8 के साथ जीरो भी एक, 21 × 21/2 2 ज़ा 4। अब ये 4 2 ज़ा और ज़ीरो, यहाँ कितना आ गया? 20 × 21 × 21। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 8820, ओके। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी पिछले में अमाउंट आया है वो इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8820 × 5 × 1। ठीक है, ये 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए, ओके, अपॉन 100। सो ये कट गया, 5 1 ज़ा और ये 5 2 ज़ा, तो यहाँ कितना आया? 882, ठीक है, इंटू 1/2, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए 2 4 ज़ा फिर 4 ज़ा फिर 1, सो कितना आ गया? 4 4 1, ये आ गया। तो ये क्या है? आंसर सेकंड वाले का है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अब क्वेश्चन 8 में क्या दिया है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000। देखिए, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वुड हिज इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,000, ठीक, और टाइम कितना है? 1.5 ईयर। सो अब इस हाफ ईयर को किससे मल्टीप्लाई कर, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जो आएगा वो टाइम हो जाएगा, और 10% क्या है? रेट दिया है, पर यहाँ किसकी बात करें? हाफ ईयरली की, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा। अब फिर हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर देंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्या है? 10,000, टाइम कितना है? 1/1 ईयर और हाफ, 1.5 ईयर, रेट कितना है? 10%, ओके, ठीक है, टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, सब हो गया, ठीक।
पर अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। सो जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा 3/2 × 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो गया 3 ईयर, ओके 3 ईयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेट को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। सो 10% × 2 = 5%, ओके। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + rate / 100^n होता है। अब इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, सो चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 10,000 1 + 5/100^3, ओके। फिर अब इसे क्या आएगा, a = 10,000, 5 + 1 = 520, ठीक। सो 1/1/20^3, ठीक। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10,021/20^3, ओके। अब क्या करेंगे, 21/20 को 3 times मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 × 21/20 × 21/20 × 21/20, ओके। ये तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए, फिर यहाँ कितना आया, ये देखिए 2 5s हो गया, फिर यहाँ क्या आया 5 × 21 × 21 × 21/4। अब जब इसे सॉल्व हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11,576.25, ओके। क्या मिलेगा, 11,576.25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, सो ये क्या है, अमाउंट है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 11,576.25 - 10,000, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1576.25, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, एनुअली निकालेंगे, सो एनुअली में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा, रेट 10% हो जाएगा, इसमें हाफ ईयरली निकाले थे इस वजह से रेट 5% हो गया था, पर इसमें 10% ही रहेगा। टाइम कितना हो जाएगा, 1 year, 1.5 years, ओके। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल फिर 1 + rate / 100^n, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टाइम क्या है, 1.5 years दिया है, ठीक। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 1 year का क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे, सो प्रिंसिपल की जगह पर क्या रख देंगे, 10,000, फिर 1 rate की जगह पर 10/, कितना हो जाएगा, ये क्या है 100, उसकी पावर n, पहले 1 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। सो 10,000, फिर 10 ones और ये 10 tens, सो 11/10, 11/10 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 1 1/10, सो 10 ones 10, फिर +1 11/10, ठीक। ये वाला इस तरह से आ जाएगा, और कितने बार है, ओनली पावर 1 है, सो 1, मतलब 10,000 × 11/10, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 11 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11,000, ओके 11,000।
ये क्या हो गया 11,000 अमाउंट निकाला हमने। अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये हाफ ईयर दिया गया है ना, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग हाफ ईयरली के लिए निकाल रहे हैं, ठीक, हाफ ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, सो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 11,000 अभी हमने निकाला। जो अमाउंट निकाला है वो इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, इंटू रेट है 10 इंटू 1 अपॉन 100। देखिए ये 1/2 है, हाफ ईयर का बोला है ना, तो ये 1/2, सो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। सो 11,000 इंटू 10 अपॉन 200। ओके, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा है, 1100 अपॉन 2। ओके, जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 550 मिला, ठीक। अब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, 11,000 में ऐड कर देंगे जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आया 550, तो ये क्या हो जाएगा, 11,550। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो अमाउंट कितना है, 11,550, और प्रिंसिपल कितना है, 10,000। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1,550 मिला, 1,550 रुपीस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अमाउंट कितना है, 11,550 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 10,000। ओके, सो कितना मिला हमें, 1,550। ओके, अब हाफ ईयरली का निकालेंगे, हाफ ईयरली का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1,576.25। हाफ ईयरली का निकाला था हमने ऊपर, तो कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट, 1,576.25। अब क्या करेंगे, एनुअली का कितना आया, एनुअली का आया 1,550। ओके, सो इसमें से ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है हाफ ईयरली वाला। ओके, सो आंसर हो जाएगा यस। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4,096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12.1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, हाफ ईयरली की। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 4,096, रेट क्या है 12.1/2%, सो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 12 24 प्लस 1/2 मतलब 25/2, ठीक है, और फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो ये 2 लास्ट में आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, 25/4। ओके, अब देखिए टाइम 18 मंथ दिया था, तो हाफ ईयरली की बात की जा रही है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये 1 ईयर 6 मंथ हो गया, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 प्लस 6 18 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 ईयर 6 मंथ को लिख लिया हाफ ईयर, 1.5 ईयर, ठीक। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा, 3/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या आ गया, 3 ईयर। ये मल्टीप्लाई मैंने अभी नहीं किया, अभी तो पहले मैंने इसको ऐसे लिखा है, फिर बाद में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होता है,
ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4096 फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 25 बाय 100, ओके, की पावर 3 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 4096, फिर देखिए 25 वन ज़ा और ये 4 ज़ा, ठीक हो गया, फिर इतना हो गया 1 बाय 4, फिर 4096, फिर क्या होगा, 4 वन ज़ा 4 प्लस 1 5, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, रेट 25 बाय 4 दिया है, तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल तो कर दिया, 1 बाय 4 आया, पर इसके साथ में अपॉन में 4 भी है, तो मतलब ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो ये 4 4 क्या हो गया, 16 हो गया, ओके, 4 और 4 16 हो गया, क्योंकि रेट 25 बाय 4 दिया है, और मैं जब इसमें पुट करूँगी तो 1 अपॉन 4 25 अपॉन 400 आ जाएगा, और फिर उसे काटूँगी तो क्या आ जाएगा, देखिए 25 आ जाएगा अपॉन 100 है, फिर मैंने इसको कैंसिल किया तो 1 बाय 4 आया, फिर 1 बाय 4 तो 25 बाय 4 भी है, 25 बाय 4 अपॉन 100 ये दिया है, ठीक। अब हम क्या कर, देखिए ऐसे दिया है 25 बाय 4 अपॉन 100, ओके, सो हमने क्या किया, ऐसे आया 25 अपॉन 4 इंटू 100, सो 25 वन ज़ा और ये 4 ज़ा, फिर 4 4 क्या हो गया, 16 बन गया, मतलब 1 बाय 16, यहाँ पर क्या होगा, 1 बाय 16, तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय 16 की पावर 3, ओके। अब इसे कैसे लिखेंगे, 4096 1 प्लस 1 बाय 16 की पावर 3 दी है। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4096 फिर 16 इंटू 1 16 प्लस 1 अपॉन 16 की होल पावर 3, मतलब हो जाएगा 4096 17 बाय 16 का क्यूब, सो क्या हो जाएगा, 4096 इंटू 17 बाय 16, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, ओके, तो 17 बाय 16, फिर से 17 बाय 16, ओके, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरी को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4913, ओके, तो ये क्या हो गया आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000, ओके, क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, पार्ट वन में क्या दिया है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, बताना है 2001 में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या दिया है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन हुई, सो पहले हम पार्ट वन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग 54,000 को क्या मानेंगे, अमाउंट मान लेंगे, और इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है, हम लोग इसे अमाउंट क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, 54,000 अमाउंट हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2003 दिया है और यहाँ पर 2001, मतलब 2 ईयर का गैप है, मतलब टाइम क्या हो गया, 2 ईयर, और अमाउंट भी पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, ओके, रेट 5% दिया है, तो इसे कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट दिया है 54,000, ओके, रेट क्या है, 5 है, और टाइम क्या दिया है, 2 ईयर, 2 ईयर क्यों हो गया, कैसे हो गया, देखिए 2003 क्वेश्चन में दिया था और निकालने को क्या बोला है, 2001, सो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 ईयर का, ठीक, तो ये टाइम हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, वन प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब इन सब में वैल्यूज को पुट करेंगे, अमाउंट की वैल्यू क्या है, 54,000, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है सो p लिखेंगे, प्लस 1 1 प्लस रेट कितना है, 5 अपॉन 100 की पावर 2, ओके, अब इसे कैसे लिखेंगे, 5 4 फिर 3 बार 0 फिर p
वन प्लस देखिए फाइव वन ज़ा टू ज़ीरो, वन बाय 20 आ गया की पावर 2। ओके अब लिखेंगे 54000 प्रिंसिपल 1 प्लस देखिए 20 इंटू 1 क्या हो गया 20, फिर प्लस 1 अपॉन 20। ओके अब देखिए 54000 इक्वल टू पी 21 अपॉन 20, और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। फिर देखिए इसे कैसे लिखेंगे 54000, देखिए एरो लगा दे रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाए, क्या हो गया पी 21 बाय 20 इंटू 21 बाय 20। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इस तरफ चले जाएंगे, ठीक। सो हो जाएगा 54000 इंटू 20 इंटू 20, ठीक, इक्वल्स टू प्रिंसिपल 21 इंटू 21। अब हम इन दोनों को ये डिवाइड में चले जाएंगे, 21 अपॉन 21 इंटू 21 डिवाइड में चले जाएंगे। सो कैसे लिखेंगे 54000 इंटू 400, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s 4 और 00, ठीक, अपॉन 21 इंटू 21। सो ये हमने क्या निकाल लिया प्रिंसिपल। जब इसको सॉल्व करेंगे सो कितना आएगा, आएगा 48980 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। ओके 448980, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे, पार्ट टू को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर अमाउंट क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो 5000 दिया, 54000 दिया था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रिंसिपल, और पार्ट वन में वो क्या था अमाउंट था, और यहाँ पर क्या हो गया प्रिंसिपल। अब रेट किसके इक्वल हो गया 5%, और टाइम क्या है देखिए इसमें 2005 की बात की जा रही है और क्वेश्चन में क्या दिया है 2003, फिर इसमें भी गैप कितने ईयर का है 2 ईयर का, टाइम क्या है 2 ईयर। ओके सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 का यहाँ पर क्या हो जाए देखिए एन होता है ना। ओके इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, सो अमाउंट तो निकालना है तो ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 54000, 1 प्लस रेट क्या है 5 अपॉन 100, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि टाइम कितना है 2 दिया है। सो देखिए 5 वन जा और यहाँ आ गया 20, फिर यहाँ अमाउंट किसके इक्वल आया 54000 1 प्लस 1 बाय 20 का होल ऑफ स्क्वायर। सो इसे कैसे लिख सकते हैं 54000, देखिए 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, इसको दो बार लिखना है, फिर एक बार और लिख लेंगे 21 अपॉन 20। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये दोनों जीरो से, ये दोनों जीरो इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब क्या आएगा 54 अमाउंट इक्वल्स टू 540 इंटू 441 अपॉन 4। ओके सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 59535। सो ये सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आर, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आर इफ द काउंट वॉज इनिशियली 506000, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द बैक्टीरिया फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 2 आर्स, ठीक है, और ये क्या दिया है इनिशियली, क्या इनिशियली मतलब होता है प्रिंसिपल, जैसे इनिशियली करके दिया है तो ये हो गया प्रिंसिपल 506000, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। रेट कितना है 2.5% और टाइम कितना दिया गया है 2 आर। ओके सो देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्या है 506000, रेट क्या है 2.5%, टाइम 2 आर,
अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n. ओके, सो a इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करेंगे 506000, फिर 2.5% दिया है. ओके, अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r में दिया, हमेशा ईयरली में दिया रहता था ना, तो यहाँ पर r में दिया है तो क्वेश्चन में भी r में ही लिखा है, ईयर में नहीं लिखा है. तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे. और फिर क्या आएगा, अब हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ क्या बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 506000 1 + 25/1000 का स्क्वायर. सो 25 1 ज़ा और यहाँ क्या आ गया, 40. ओके, 40 आ गया. सो अमाउंट किसके इक्वल हो गया, 506000 1 + 1/40 का स्क्वायर. ओके, फिर यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 506000 41, देखिए 40 × 140 + 1 41/40 का स्क्वायर. अब क्या करेंगे, 41/40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. सो a इक्वल्स टू 506000 41/40, फिर से 41/40. ओके, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल हो गए. जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 5316, फिर से 16.25. ये हमें क्या मिलेगा, अमाउंट. और इस क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करने को ही कहा गया था. ठीक है, क्या मिला, अमाउंट इक्वल्स टू 53, फिर 16, फिर 16.25. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व. अब क्वेश्चन 12 में क्या दिया है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000. एक स्कूटर खरीदी जा रही है कितने रुपए में, 42,000 में. ठीक है, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड. डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू प्रिंसिपल फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 का स्क्वायर होता है, 100 का की पावर फिर होल पावर n होती है. पर यहाँ पर 1 + r/100 जब करते हैं तो इसमें प्लस करने की जगह पर डेप्रिशिएटेड वर्ड यूज किया गया, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसे सॉल्व करते हैं. सो देखिए क्वेश्चन 12 में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन 12 में दिया है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना दिया है, 42,000. ओके, और रेट कितना है, रेट है 8%. और फिर क्या कहते हैं, टाइम कितना दिया है, टाइम 1 ईयर के बाद बोला गया है. ठीक, प्रिंसिपल 42,000, रेट 8% और टाइम 1 दिया है, 1 ईयर. ओके, अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें डेप्रिसिएटेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. सो यहाँ पर फॉर्मूला अमाउंट का क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 − rate/100 n. ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. सो क्या मिलेगा, अमाउंट इक्वल्स टू 42,000 1 − 8/100 की होल पावर 1. क्या आएगा, 42,000, फिर क्या होगा, 100 में से 8 माइनस किए कितना मिला, देखिए 42,009, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 92/100. ओके, पावर 1 है तो ये हो जाएगा. फिर क्या होगा, 42,000 × 92/100, फिर ये दोनों जीरो से ये दोनों कैंसिल हो गए. सो हमें क्या मिलेगा, 420 × 92, ये किसके इक्वल है, 38640. ओके, ये क्या हो गया हमारा आंसर. हमने ये क्या निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, कितना आया, 38,640 rupees. ओके, ये हमारा अमाउंट आ गया. पर जब भी डेप्रिशिएटेड वर्ड या फिर डिक्रीज का इस्तेमाल किया जाए, मतलब यूज किया जाए क्वेश्चन में, सो हमेशा फॉर्मूले में क्या हो जाता है,
अमाउंट का फॉर्मूला ये बन जाता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वन माइनस, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाता है, मतलब माइनस करते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। नाउ नाउ इन अनदर वीडियो आई हैव डिस्कस्ड समरी ऑफ दिस होल चैप्टर, मतलब उस समरी में क्या दिया है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिए गए हैं, जो भी आपकी एक्सरसाइज में यूज़ किए गए हैं फॉर्मूले, सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले उसमें हैं। वो सिर्फ 5 मिनट की समरी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उस समरी के बाद मैं MCQ क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।